नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के लिए एक समस्या ख़त्म नहीं हो पाती कि दूसरी समस्या सामने आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही। दरअसल अभी भी हम एक तरफ से बांग्लादेश से परेशान हो रहे हैं। बांग्लादेश हमारे लिए परेशानी तैयार कर रहा है। अब ये समझ लीजिए कि थोड़ा सा हल्का सा बांग्लादेश का मामला थोड़ा सा दबा है और वहीं एक नई परेशानी है भारत के लिए तैयार हो गई, ये मान लीजिए। दरअसल क्या है कि भारत का जो एक और पड़ोसी देश है श्रीलंका, वहाँ पर 2 साल के बाद आज चुनाव हुए, और जब चुनाव हुए तो उसमें जो पहले राउंड की जो वोटिंग हुई उसमें तो किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला किसी भी पार्टी को। तो संविधान जो श्रीलंका का बोलता है वो ये कहता है कि अगर पहली जो चुनाव होते हैं उसमें अगर किसी को बहुमत नहीं मिलता है तो फिर दूसरी बार चुनाव कराइए, और जब दूसरे राउंड के चुनाव होगा उसमें जो नंबर 1 होगा वो वहाँ का राष्ट्रपति बन जाएगा, उसके हाथ में सत्ता चली जाएगी, ये वहाँ का संविधान कहता है। तो दोस्तों, वहाँ पर क्या हुआ कि अभी आज चुनाव हुआ पहले राउंड का, उसमें किसी को बहुमत नहीं मिला। फिर उसके बाद दूसरे राउंड का चुनाव हुआ, उसमें जिनको बहुमत मिला है वो दरअसल कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। अरुणा कुमारा दिशा नायके, ये इनका नाम है, ये वहाँ के अब राष्ट्रपति चुन लिए गए। दोस्तों, ये परेशानी का सबब इसलिए है भारत के लिए क्योंकि ये कम्युनिस्ट विचारधारा से आते हैं, और आपको पता होगा जो चीन है उसकी विचारधारा भी कम्युनिस्ट है। तो बड़ी ही मुश्किल से भारत ने किसी तरीके से पीछा छुड़ाया था चाइना से, जो श्रीलंका में आकर बिल्कुल कुंडली मारकर बैठा हुआ था, कि आज से ये समझ लीजिए भारत फिर से दूर हो जाएगा श्रीलंका से, क्योंकि श्रीलंका में अब वो सरकार आ रही है जो कम्युनिस्ट विचारधारा की है, जो चीन की विचारधारा की है। अब ये समझ लीजिए, अब श्रीलंका में जितना ज़्यादा चीन का दबदबा बढ़ता चला जाएगा भारत के लिए परेशानी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि भारत की जो सीमा है वो बहुत ही नज़दीक है श्रीलंका से। ये भारत के लिए किसी भी तरीके से शुभ संकेत नहीं है, अच्छी खबर नहीं है। भारत को इससे बहुत ही ज़्यादा परेशानी होने वाली है, क्योंकि अब देखिए भारत पूरी तरह से एक सभी दुश्मनों से घिरा हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चाइना, तीसरी तरफ अब ये समझ लीजिए हमने एक नया सिक्योरिटी थ्रेट तैयार कर लिया है बांग्लादेश के नाम का, और बांग्लादेश के साथ ही साथ अब ये श्रीलंका फिर से तैयार हो गया। अब ये समझ लीजिए कि जो हमारे जो बिल्कुल करीबी पड़ोसी हैं उसमें सिर्फ नेपाल बचा हुआ है, और नेपाल की भी हालत ऐसी रहती है कि वो भारत के लगभग अब विरोध में ही रहता है, वो मतलब सोचता ही नहीं है कि भारत और नेपाल भाई भाई से हैं। दोस्तों, ये भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर है। अब भारत को कैसे भी करके इसमें कुछ भी इंटरफेयर करके ये हमेशा सुनिश्चित करना पड़ेगा कि कैसे भी श्रीलंका में चाइना की एंट्री ना हो पाए, चाइना किसी भी तरीके से दूर रहे, चाहे भारत को उसके लिए कुछ भी करना पड़े, ताकि भारत एक तरफ से तो कम से कम चैन की नींद सो पाए। ये समझ लीजिए कि भारत की एक टेंशन समुद्र के रास्ते से इधर से भी बनी रहेगी। चीन यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या करता है कि भारत की जासूसी करता है। भारत की जासूसी वो इसलिए कर पाता है क्योंकि श्रीलंका उसे अपना जगह देता है, अपना बंदरगाह देता है, अपना पोर्ट दे देता है। वो जो उसकी जासूसी शिप है चीन की, वो आकर यहाँ पे कई कई दिनों खड़ी रहती हैं। तो इससे क्या होता है कि भारत की जो वैज्ञानिक हैं वो अपना किसी भी परीक्षण को कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि हमारा डेटा ये चोरी हो जाएगा, जासूसी इसकी हो रही है। इसलिए भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। दोस्तों, अब इस पर कुछ और अपडेट आता है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।